नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी पटना में जल्द ही मेट्रो ट्रेन में सफर करने का सपना पूरा होने वाला है। इसको लेकर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा काम भी प्रगति पर है और उम्मीद भी की जा रही है कि साल 2024 तक पटना में बिहार का पहला मेट्रो सेवा दो कॉरिडोर में आरम्भ हो जाएगा। यह सपना सिर्फ बिहार सरकार का ही नहीं बल्कि यहाँ के एक एक आम जन का है, क्योंकि मेट्रो से न केवल दूरियां कम हो जाएंगी, समय की बचत होगी, बल्कि कई रोजगार के अवसर बनेंगे और शहर की सुंदरता में भी चार चांद लग जाएंगे। इस बीच पटना रेल कॉरपोरेशन ने एक खास पहल की शुरुआत की है, जिससे हम बिहारवासी भी राज्य की पहली मेट्रो परियोजना में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। दरअसल पटना मेट्रो का लोगो तैयार किया जा रहा है और इसके लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने आकर्षक और अनूठा लोगो डिजाइन कॉम्पिटिशन शुरू किया है। इस प्रतियोगिता में कोई भी आम या खास अपने द्वारा डिजाइन किए गए लोगो को भेज कर इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपके लोगो को पसंद कर लिया गया तो न सिर्फ आपके लोगों को पटना मेट्रो का लोगो बना दिया जाएगा बल्कि आपको इनाम भी मिलेंगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के बारे में। सबसे पहली बात कि इस कंपटीशन में कोई भी लोग हिस्सा ले सकते हैं और इसकी समय सीमा 23 जुलाई 2021 है, यानी कि 23 जुलाई तक ही कोई भी व्यक्ति इस प्रतियोगिता में भाग ले सकता है। तीन कैटेगरी में लोगों को पसंद करके उसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज मिलेगा। प्रतियोगिता में जो भी भागीदार प्रथम आएंगे उन्हें 50,000 रुपए मिलेंगे, दूसरे स्थान पर आने वाले को 25,000 रुपए, तो वहीं तीसरे स्थान पर आने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यहां आपको ये भी बता दें कि लोगो डिजाइन का न्यूनतम आकार 4 इंच × 4 इंच का होना चाहिए। इसे कम से कम 300 DPI का बनाना होगा, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही डिजाइन करना होगा, जिसके बाद आपको तैयार लोगों को JPG या फिर PDF फॉर्मेट में PMRCL यानी कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के ईमेल ID mail.pmrcl@gmail.com पर भेजना होगा। जब आप अपने डिजाइन को भेजेंगे तो इस बात का ख्याल तो जरूर रखना होगा कि आपने अंत में अपना नाम, पता, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को सही सही डाल दिया हो। इसमें भाग लेने की कोई उम्र सीमा निर्धारित नहीं की गई है। विजेता को चुनने का अंतिम फैसला PMRCL ही करेगा। चूंकि इसे पटना मेट्रो का लोगो निर्धारित किया जाना है, इसलिए यह दिखने में काफी आकर्षक होना चाहिए, साथ ही ऐसा लगे कि डिजाइन पटना का प्रतिनिधित्व करने के साथ ही यातायात के क्षेत्र में आने वाले समय में क्रांतिकारी बदलाव को भी दिखा पा रहा है। डिजाइन को रचनात्मकता, मौलिकता, तकनीकी उत्कृष्टता, सादगी, कलात्मक योग्यता और दृश्य प्रभाव आदि कसौटियों पर पसंद किया जाएगा और इसी में जो बेस्ट लोगो डिजाइन होगा उसे प्रथम पुरस्कार मिलेगा। ध्यान रहे, आपका डिजाइन किया हुआ लोगो पूरी तरह से आपके अपने दिमाग से तैयार किया हुआ होना चाहिए। किसी तरह की साहित्यिक चोरी इसमें नहीं चलेगी। साथ ही एक ही प्रतिभागी अधिक बार अपने डिजाइन को नहीं भेज सकते हैं। आपका लोगो सौम्य, आंखों को पसंद आने वाला होना चाहिए। तो देर किस बात की, आप भी आज से अपने राज्य के पहले मेट्रो के लिए लोगो डिजाइन बनाने में जुट जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।